हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्कोप। और आईपीएल प्रीव्यू सीरीज के इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इनॉग्रल चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स के बारे में, जो कि 2008 में खिताब जीतने के बाद आज तक कभी फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए हैं। आज हम इस टीम की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं और टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी पहले मुकाबले में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले पूरी तरह वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीम की स्ट्रेंथ के बारे में। तो टीम की सबसे पहली स्ट्रेंथ होने वाली है टीम का टॉप ऑर्डर। इस टीम के पास एक काफी शानदार टॉप ऑर्डर होने वाला है। स्टीव स्मिथ, जॉस बटलर, रॉबिन उथप्पा, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ये कुछ काफी बड़े नाम है इस टीम के अंदर। ये सारे काफी अग्रेसिव, उसके अलावा ये सारे काफी टेक्निकल प्लेयर भी होने वाले हैं। संजू सैमसन काफी मैच्योर हो चुके हैं, जॉस बटलर ने भी काफी शानदार फॉर्म दिखाया है हमको, स्टीव स्मिथ काफी यूजफुल प्लेयर होंगे स्लो ट्रैक्स के ऊपर, रॉबिन उथप्पा भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर, उसके अलावा बात करते हैं तो ये यशस्वी जायसवाल भी काफी अच्छे प्लेयर। जरूर इस टीम के पास एक काफी शानदार टॉप ऑर्डर होने वाला है जो कि स्किल्ड भी, उसके अलावा काफी अग्रेसिव भी खेल सकता है। तो टॉप ऑर्डर काफी बड़ी स्ट्रेंथ होने वाला राजस्थान की टीम की। अगर मैं अगली स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूं तो वो है टीम के स्पिनर्स। इस बार टीम के पास तीन काफी क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जो है श्रेयस गोपाल, राहुल तेवती और मयंक मार्कंडे। तीनों काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी टाइम से आईपीएल खेल रहे हैं। मयंक मार्कंडे ने आईपीएल में खुद को प्रूव किया। उसके अलावा बात करता हूं तो राहुल तेवती एक और काफी शानदार स्पिनर है, पिछली बार वो दिल्ली में खेलते थे, उनकी बैटिंग भी काफी शानदार रहती है और श्रेयस गोपाल ने भी काफी शानदार बॉलिंग कर राजस्थान की टीम के लिए पिछले सीजन काफी जबरदस्त बॉलिंग करी। उसके अलावा वो एबी डिविलियर्स को काफी ज्यादा तंग भी कर, तो ये तीन स्पिनर्स के होते हुए यूएई के ट्रैप पे काफी फायदा होगा राजस्थान की टीम को। तो ये तीन स्पिनर्स काफी बड़ी स्ट्रेंथ होंगे राजस्थान की इस साल होने वाले आईपीएल के अंदर। और अगर मैं अगली स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूं तो वो है इस टीम के फास्ट बॉलिंग लाइनअप। इस टीम के पास बहुत सारे फास्ट बॉल होने वाले हैं, फिर चाहे वो इंडियन हो फिर चाहे वो ओवरसीज हो। इंडियन के अंदर जयदेव उनादकत है, वरुण एरोन है, अंकित राजपूत है, ओवरसीज में जोफ्रा आर्चर है, एंड्रू टाय है, टॉम करन है, ओशेन थॉमस है। तो कुछ काफी सारे फास्ट बॉलर इस टीम के अंदर हैं और सारे के सारे क्वालिटी बॉलर भी हैं। उनादकत काफी अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर, वरुण एरोन भी काफी तेज बॉल डालते हैं, काफी शानदार विकेट टेकर है, अंकित राजपूत खुद को प्रूव कर चुके हैं, जोफ्रा आर्चर के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ओशेन थॉमस एक और काफी तेज बॉलिंग डालते हैं, टॉम करन बीबीएल के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे और एंड्रू टाय भी काफी शानदार है। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है फास्ट बॉलिंग के अंदर। तो ये तीन बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम की। जरूर से टीम इन स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करने वाला इस साल होने वाला आईपीएल के अंदर। वीकनेसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ माई टीम 11 ऐप के बारे में, जिस पर आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और आप काफी सारा पैसा कमा सकते हो माई टीम 11 ऐप के ऊपर। आपको सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना है और आई हैव अ रेफर कोड में स्पोर्ट्स कॉप डालना है, इससे आपको 100 रुपए मिल जाएंगे जिनको पूरी तरह से कॉन्टेस्ट में यूज कर पाओगे पैन कार्ड वेरीफाई कराने के बाद। तो जरूर से काफी शानदार ऑफर है, वेट बिल्कुल मत करो, 100 रुपए लो और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने स्टार्ट कर दो माई टीम 11 के अंदर और विनिंग करनी भी स्टार्ट कर दो। तो अब हम बात करते हैं वीकनेसेस के बारे में। तो सबसे पहली वीकनेस है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का ना होना। इस टीम के पास एक भी अच्छा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है ही नहीं। डेविड मिलर एक ओवरसीज पिक है, पर उसके अलावा हम बात करते हैं तो रियान पराग एक ऑप्शन है, पर उसके अलावा एक भी अच्छा ऑप्शन इसके पास नहीं मिडिल ऑर्डर के अंदर। अगर कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं आने वाला। हालांकि टीम मनन वोरा टीम में है, पर पिछले साल उन्होंने एक भी मुकाबला नहीं खेला, देखते हैं वो कैसे फॉर्म के अंदर आएंगे। पर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का ना होना इस टीम के पास में एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। और अगली दिक्कत है ऑलराउंडर का भी ना होना। बेन स्टोक्स के अलावा एक भी बड़ा ऑलराउंडर नहीं इस टीम के अंदर और ये बात कंफर्म हो चुकी है कि बेन स्टोक्स स्टार्टिंग कुछ मुकाबले मिस करने वाले। देखते हैं कि ऑलराउंडर कौन होने वाला है। टॉम करन टीम में पर उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर, टॉम करन एक अच्छे बॉलर जरूर है पर उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर, जरूर से दिक्कत आई राजस्थान की टीम को। कोई भी अच्छा बैटिंग कर ऑलराउंडर नहीं इस टीम के पास में। तो मिडिल ऑर्डर का ना होना और एक ऑलराउंडर का ना होना काफी बड़ी दिक्कत है इस टीम के पास में और ये दोनों दिक्कतें काफी ज्यादा तंग कर सकती हैं राजस्थान रॉयल्स को साल होने वाला आईपीएल के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि पहले मुकाबले के अंदर राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है बेन स्टोक्स पहला मुकाबला नहीं खेलेगा तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। बेन स्टोक्स ना होना काफी बड़ी दिक्कत होती है इस टीम के लिए। तो मेरे हिसाब से पहले मुकाबले में ओपन करेंगे जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पे संजू सैमसन, नंबर 4 के ऊपर स्टीव स्मिथ, नंबर 5 पे रॉबिन उथप्पा, नंबर 6 पे रियान पराग, नंबर 7 पे टॉम करन, श्रेयस गोपाल,
जोफ्रा आर्चर, जयदेव उनादकट और आखिरी के अंदर आएंगे मयंक मार्कंडे। तो यहाँ पे मेरी यशस्वी से ओपनिंग कराई है, काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अच्छे ओपनर जरूर से ओपन कर सकते हैं। और रॉबिन उथप्पा काफी एक्सपीरियंस में होने वाले, टीम को जरूर से नंबर 5 के ऊपर टीम को स्टेबिलिटी दे पाएंगे। टॉम करन 7 पे एज ऑलराउंडर खेलने वाले हैं, तो 4 आपके बॉलर हो गए, 1 टॉम करन हो गए। उसके अलावा रियान पराग भी स्पिन बॉलिंग करते हैं और यशस्वी जायसवाली बॉलिंग करते हैं। 7 बॉलिंग ऑप्शन है आपके पास, स्पिनर्स भी कवर हो चुके हैं, फास्ट बॉल भी कवर हो चुके हैं। आप चाहो तो मयंक मार्कंडे की राहुल तेवतिया खिला सकते हो, पर ये एक टीम होने वाली है जहां पे काफी स्टेबल लगती है राजस्थान की टीम। जरूर से ये टीम पहला मुकाबला जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगी। तो आप बताओ मुझे कमेंट करके, आपके साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली नहीं पहुंचने वाली, बताओ अपनी राय क्यों कमेंट के अंदर। अगर मेरी बात करता हूं तो अगर इस टीम का टॉप ऑर्डर चलता है ये टीम प्लेऑफ में आ सकती है। इस टीम का टॉप ऑर्डर को चलना पड़ेगा, इसका मिडिल ऑर्डर काफी वीक है, पर टॉप ऑर्डर चलता है जॉस बटलर ने रन बनाए तो जरूर से ये टीम क्वालिफायर में आ सकती है, टॉप 4 में आ सकती है। तो आप बताओ यह वीडियो को कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक जरूर से कर देना, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।